वेलकम बैक टू माय चैनल आई एम बैक माय अनदर वीडियो सो गाइस आज के वीडियो में हम स्पिन करेंगे डायमंड रॉयल के अंदर एंड उधर आप लोगों को जैसे कि स्टार्टिंग में पता चल गया है मेरे को सिर्फ एक स्पिन करने पे मिल गया है क्या मैजिक क्यूब क्या और कैसे मिला वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगी एंड उससे पहले गाइस मैं आप लोगों को कुछ अपडेट्स बताने वाली हूँ फ्री फायर के जो कि आपको आने वाले टाइम पर दिखाई देगा लाइक हमारा जो गेम का बैकग्राउंड अभी बोया वाला है वो चेंज होने वाला है और चेंज होकर के क्या आएगा वो दिखाऊंगी सो So let's get start the video. तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड तो ये आपको नेक्स्ट दिखाई देगा एंड ये न्यू बंडल आपको मेल का दिखाई दे रहा है सेम ऐसे ही डिट्टू आपको फीमेल का दिखाई देगा एंड साथ में ये प्लेन एंड ये जो पैरासोड और स्केटबोर्ड uh, ये सब आपको दिखाई देगा ड्रॉप भी न्यू आएगा इवन पूरा फ्री फायर चेंज होगा और इस बार का जो थीम होगा वो होगा आ, ब्लू कलर का हर चीज़ ब्लू से रिलेटेड आप लोगों को दिखाई देगा जैसे कि अभी बोया वाले में ऑरेंज बोल सकते हैं या फिर येलो ऐसा पूरा वो था बैकग्राउंड भी ऐसा ही था एंड रिवर्स भी ऐसे ही थे बंडल भी ऐसे ही थे लेकिन इसके बाद जो आएगा ये ब्लू ब्लू हर चीज आपको ब्लू दिखाई देगा इसके अंदर बंडल से लेकर के पैराशूट और प्लेन हर चीज ब्लू ब्लू आपको दिखाई देने वाला है तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये आप देख सकते हो जिसकी मैं बात कर रही थी स्केटबोर्ड जो आपको दिखाई देगा आने वाले टाइम पे तो ये स्केटबोर्ड अच्छा है ज़्यादा कुछ खा आ, कुछ खास नहीं है मैं चाहती हूँ ऐसा कोई स्केट बोर्ड आए जो सीज़न टू के लाइट पास के अंदर जैसा था ना वैसा बिल्कुल फायर फायर वाला लाइट वाइट निकलता हुआ ये कुछ धमाकेदार आना चाहिए ना ये ठीक ठाक है बोल सकते हैं बट ऐसा नहीं है जिसको देखने के बाद ना इंसान का वो होता है ना अंदर से आवाज़ आई ये तो लेना है वैसा वाला कुछ नहीं है अगर आप इसे मिस कर देते हो तो भी आपको कोई फीलिंग ऐसी नहीं आएगी जो हमने कुछ अच्छा मिस करा है बेकार ही था नेक्स्ट जो आप देख सकते हो ये है कार की स्किन जो कि अच्छी है क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा बाकी कार की स्किन जो है इससे ज़्यादा बेटर है ये कलर इसका अच्छा है और लुक भी थोड़ा अच्छा है बट और भी ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट कर रही थी जैसे लाइट वाइट कुछ निकलता हुआ साइन करता हुआ बट ये काफ़ी रियलिस्टिक है तो ठीक है जिसको ऐसा पसंद है रियलिस्टिक चीज़ें उसके लिए नेक्स्ट जो है आप देख सकते हैं ये बैकपैक या पता नहीं क्या था तो वो आपको देखने को मिलेगा एंड नेक्स्ट जो है ये फ़ीमेल का बंडल जो मैंने आपको बोला था मेल जैसा तो फीमेल के बंडल का ऊपर का, का आप देखो तो सही है टॉप टाइप का बट इसकी जो नीचे की पैंट वैंट है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है क्योंकि एक ब्लैक कलर का बिल्कुल सिंपल सा है और इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है तो मुझे ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगा अभी आते हैं ये देखिए बीस आर्मी वाला जो आप देख सकते हो बीस आर्म सॉरी आर्मी कह रही थी बीस आर्म वाला तो इसमें मैंने टेन का एक स्पिन मारा सिर्फ एक स्पिन और इसमें मुझे क्या मिला है मैजिक क्यूब का सीरियसली मेरे को फर्स्ट टाइम डायमंड रॉयल के अंदर से मैजिक क्यूब मिला मुझे यकीन नहीं हुआ मतलब सीरियसली पहला स्पिन मारने पे टेन प्लस वन का स्पिन था पहला और मतलब एक दस वाला स्पिन मारा और ये मिल गया मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं था मैंने यूँ ही स्पिन मारा था बट मुझे ये बंडल भी नहीं चाहिए था क्योंकि वो मेल का बंडल है मुझे इसका फीमेल वाला बंडल चाहिए जो नेक्स्ट टाइम आएगा तो मैंने यूँ ही स्पिन मारा और मुझे मैजिक क्यूब मिल गया मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैजिक क्यूब में जो चेंजेस आएंगे तो मुझे चुंगली वाला बंडल है एक मैजिक क्यूब के अंदर जो शायद चेंज होने के बाद आएगा बंडल तो मुझे वो वाला चाहिए तो उसके लिए मैं वेट कर रही हूँ तो अच्छा है मेरे पास फिलहाल दो मैजिक क्यूब हो जाएंगे एक ही दिवाली पे मिल जाएगा तो तीन मैजिक क्यूब हो जाएंगे और तीन थे तो उसमें से दो ये भी मिले हैं एक मैजिक क्यूब का मैंने यूज़ करके बंडल लिया है बटरफ्लाई वाला जो कि आपने स्टार्टिंग में देखा होगा एंड फ्री फायर का जो कैलेंडर है इसमें आप देख सकते हो आपको क्या क्या रिवॉर्ड मिलेगा क्या ही रिवॉर्ड है तो इसमें से आप लोगों को पता है कुछ नहीं करना बस सिंपल सा दिया डेली मिशन से कंप्लीट करके उसको लेना है एंड उससे आपको मिलेंगे मैजिक क्यूब का फ्रेगमेंट उसे एक्सचेंज करके आपको क्यूब मिल जाएगा रिजनल बैटल चल रहा है बी आई पी पैक चल रहा है एंड अमेज़न प्राइम के साथ अगर आपने ले रखा है अगर आप देखते हैं अमेजन तो उधर से आप अगर लिंक कर देते हो तो हर मंथ आपको नए नए जो भी रिवॉर्ड आएंगे वो आपको मिल जाएगा तो अच्छा है आप लीजिए ये बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स आ जाए जैसे कि मैंने आपको बोला था मैंने उन दो क्यूब में से एक का बटरफ्लाई वाला लिया था और उसके बाद एक और मुझे मैजिक क्यूब मिल गया एक दिवाली पे मिल जाएगा तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मतलब इतने सारे मैजिक क्यूब भाई मतलब जिंदगी सेट हो गई है तो आप लोगों के पास कितने मैजिक क्यूब है मुझे ज़रूर बताना एंड कितने फ्रेगमेंट्स हैं एक्चुअली मैजिक क्यूब से ज़्यादा लोगों के पास फ्रेगमेंट्स होते हैं उसको कन्वर्ट नहीं करते मैजिक क्यूब में जैसे कि बहुत लोगों को मैंने देखा है एंड यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हैं बटरफ्लाई वाला जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था जो मैंने ये वाला बाई करा है तो ये मैंने बटरफ्लाई वाला लिया क्योंकि ये बंडल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद था और मैं जहाँ सो so गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है मैंने हाल ही में एक वीडियो डाला है जिस वीडियो में मैंने बोला है अगर आप लोग यूट्यूबर हैं एंड आप चाहते हैं जो मैं आपका चैनल प्रमोट करूं तो आप लोग अपने चैनल के लिंक जो इसमें भी आपने गेम प्ले डाला होगा उसका लिंक मुझे सेंड करना इंस्टा पे या फिर मेल करना या डिस्कॉर्ड ज्वाइन करके आप लोग उधर भेज सकते हो ताकि मैं आप लोगों के चैनल पर रिएक्शन दे करके मेरे आपको पता है ज़्यादा कुछ खास नहीं है चैनल बट हो सकता है जो मेरे छोटी सी हेल्प से आप लोगों को कोई फ़ायदा हो तो उसके लिए ये रिएक्शन वीडियो आएगा ओनली फॉर माई सब्सक्राइबर तो ये मेरे सब्सक्राइबर्स के ऊपर रिएक्शन होगा तो पार्टिसिपेट करना और आपको लिंक अपने चैनल का ज़रूर मुझे सेंड करना या मेल करना तो मैं उस पर दस लकी विनर पर रिएक्शन दूंगी नेक्स्ट वीडियो में तो आप मेरा बाकी डिटेल्स के लिए मेल कर देना सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय बाय